मुझे बुलाते हो बाद में आप मुझे आप एक एकदम ठीक लग रहा है इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो एके मिश्रा को शायद सुनना चाहिए हमेशा एके मिश्रा को सुनना चाहिए लेट एके स्पीक सर लेट अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट स्पीक सर सर लेट अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट स्पीक। मुलायम सिंह यादव जी अकेले हैं अब ये क्या करेंगे। शांति के साथ ये चाहते हैं कि गरिमा के साथ मेरी बकाया जिंदगी गुजर जाए। उसके लिए सबसे सही तरीका है पहले वानप्रस्थ आश्रम होता था अब संघप्रस्थ आश्रम है जिसको मैंने बोला संगम शरणम गच्छामी। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता जो यहाँ है तार्किक तरीके से सर मुझे बता दीजिए मुलायम सिंह यादव क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि वो कहीं किसी की शरण में चले जाए जैसे विभीषण राम की शरण में चले गए थे। तर्क हो तो सर बता दीजिए सारा निचोड़ यही है। एक चीज और मैं बोलूंगा जिसपे ये दोनों हमारे नेताजी लड़ रहे थे शिवसेना और ये बसपा का बड़ा देखिए स्ट्रेटेजिक देखिए शिवसेना और बीजेपी में लड़ाई भरे हैं। जिस तरीके से मायावती जी के ऊपर अटैक हुआ था वो उनके इज्जत और अस्मिता पे अटैक था वो निंदनीय है भारतीय इतिहास में एक महिला के ऊपर। और पॉलिटिकल विरोध होना राजनीतिक विचारों का विरोध होना जो शिवसेना और बीजेपी में है वो एक अलग चीज है। किसी की इज्जत और अस्मिता पे अटैक होना वो अलग चीज है। इस पे कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। पांडे जी नोट कर लीजिए इन्होंने मान लिया जो बीएचपी के प्रवक्ता बैठे हैं इन्होंने मान लिया कि आरएसएस बीएचपी और बीजेपी जो है सब एक ही है अभी इन्होंने मान लिया। अरे सुनो भाई आप जब कबड्डी खेलने जाते हैं खेल के मैदान में तो अपने बहन को नहीं लेके जाते आप महिलाओं हमारे यहाँ एग्जाम्पल आप दे रहे हैं सर क्या अलग लगती है महिलाओं की अलग लगती है आरएसएस के विचारकों से आप इस तरह के एग्जाम्पल की उम्मीद नहीं है जो अपने आप को बौद्धिक विचारक कहते हैं जैसे सब सेवक संघ है वैसे ही आई ऑब्जेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज आरएसएस के इस लैंग्वेज आप के राजनीति खेलने देखे जाते हैं तो अपने घर के माताओं बहनों को लेके नहीं जाते हैं। हमसे पूछिए हमारे गांव में जितनी बार कबड्डी हुई है सारे माँ बहन सब लोग मेला में गए हैं चाहते हैं कि महिलाएं सब जाके पहले फिर से प्रशिक्षण लीजिए आरएसएस की शाखा में आरएसएस और बीएचपी इंप्रूव योर लेवल प्लीज। मैं आपको बता एक ने कहा भी था कि एक संघ प्रस्थ आश्रम भी होता है संघ प्रस्थ है ना एके कमर अली बीजेपी के नेता हैं आप डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के नेता हैं फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसएम अशरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता अजयवीर सिंह जी आरएलडी के नेता हैं अशोक सिन्हा संघ विचारक उमानंदन कौशिक वीएचपी नेता एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही मिश्रा जी मैंने शुरू में ही कहा था कि मुलायम सिंह यादव बेहद कद्दावर शख्सियत हैं। अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं अगर मुलायम सिंह यादव ठीक उसी दिन बयान दे रहे हैं जिस दिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हो गया है जिस दिन लिस्ट जारी हुई है एसपी और बीएसपी अलायंस की तो मुलायम सिंह यादव का यह बयान क्या समाजवादी पार्टी के लिए अलार्मिंग है। देखिए राशिद एक कोट एक चीज मैं करूंगा मुलायम सिंह यादव जी ने जो नरेंद्र मोदी जी की जो है तारीफ की और अभी जो बयान दिए हैं संघम शरणम गच्छामि का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं एक टर्म होता है पॉलिटिकल ऑटोटमी या अपना नुकसान खुद करना। बीजेपी शायद इस जो है सपा बसपा के गठबंधन को उतना नुकसान न पहुंचा पाए जितना अकेले ये बूढ़े घायल शेर मुलायम सिंह यादव जी पहुंचा देंगे। और इन्होंने जो बयान दिया है ये बड़ा सीधा सीधा है। देखिए अपनी जो बेचारगी है अपनी जो लाचारी इस वक्त हो गई है मुलायम सिंह यादव जी की इंटरनल फाइट देखिए मुलायम सिंह यादव जी के दाएं और दाहिने और बाएं हाथ कौन थे मजबूत कौन थे मतलब किसके कारण थे इनके जो छोटे भाई हैं शिवपाल सिंह यादव वो भी अलग एक धड़ा अलग हो गया। इनके जो बेटे थे अखिलेश यादव अब अखिलेश यादव का तो मैं देखूं तो मुझे तो शाहजहां और औरंगजेब की याद आ जाती है। इस तरीके से इन्होंने हालत जो है मुलायम सिंह यादव की कर दी है। बीजेपी में भी यही हालत है आप आडवाणी वगैरह को देख लीजिए उनकी भी हालत कमोबेश यही है। अब मुलायम सिंह यादव जी शायद ये सोच रहे होंगे कि लालू यादव जी की तरह कहां रहना है ये डिसाइड करना है इसलिए ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहन जी क्या सोच रही होंगी
मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये बयान दे दिया है ना, शायद सबसे ज्यादा चिंता बसपा को हो रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गठबंधन का खेल अकेले ये बिगाड़ दे। हो सकता था ये बीजेपी से पार पा जाते, बीजेपी की चुनौतियों को ये जो है उससे ये निपट लेते ये जो गठबंधन है, लेकिन अकेले मुलायम सिंह यादव, घर का भेदी लंका ढावे वाली जो कहावत है वो मुझे याद आ रही है, वो अकेले ही ऐसा कर देंगे कि इनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। फखरुल हसन चांद, कुछ कह रहे थे आप? देखिए यहाँ पर एक तटस्थ पत्रकार बैठे हुए हैं, सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए फखरुल, मेरी बात सुनिए राशिद भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी इस बात को नहीं मान पाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कोई बात कही नहीं है, बात नहीं मान पाऊंगा। समाजवादी बने रहिए ना आप फखरुल हसन चांद, समाजवादी बने रहिए ना आप, सवाल तो सुन लीजिए। या ऐसे ही बिना, एक मिनट सर, बिना सवाल सुने ही जवाब देना चाहते हैं, मैं यहां से चला जाता हूं, आराम से जवाब देते रहिएगा, मैं यहां से निकल लेता हूं। मेरा सवाल यही है, मुलायम सिंह यादव बेहद आहत हैं। मुलायम सिंह यादव ने यूं ही नहीं कह दिया कि कहीं पर भी अगर गठबंधन की बात करने के लिए जाता हूं, लोग कहते हैं कि संतान जो है पहले से ही हमारी गठबंधन की बात करके जा चुके हैं, बीएसपी से गठबंधन कर लिया, सीटें आधी रह गई हैं, आधी सीट होने से हमारे अपने लोग खत्म हो गए हैं। अरे मुलायम सिंह यादव को खारिज थोड़ी ही कर देंगे आप लोग, मार्गदर्शक बना करके उनके लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा है आप लोगों ने, अब जवाब दीजिए आप। राशिद भाई देखिए, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दो महान प्लेयर हैं। अब सचिन तेंदुलकर कभी विराट कोहली से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते कि वो पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल देश के लिए बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो इस समय स्थिति है, वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो जो देख रहे हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो हम लोग भी समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो समाजवादी पार्टी के लोग समझ क्या कहना चाहते हैं, नेताजी का पूरा क्या कहना चाहते हैं, पूरा सम्मान है, क्या कहना चाहते हैं नेताजी को बढ़ते चाहते हैं, नेताजी समाजवादी पार्टी को बढ़ते देखना चाहते हैं, नेताजी देश में। अरे फिर भाई हिपोक्रेट बात मत कीजिए, ना मैं रोक दूंगा, जो समाजवादी पार्टी का जन्म, नहीं समाजवादी पार्टी का, नहीं मेरी बात सुनिए, फखरुल हसन चांद बी ऑन द डिबेट, फखरुल हसन चांद गठबंधन को लेकर मैं बात करता तो समझ में आता, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि लड़का बात करके चला गया, समाजवादी पार्टी को उसी के लोग खत्म कर रहे हैं, बीएसपी से गठबंधन कर लिया, सुनने में आ रहा है सीटें आधी रह गई और हमारे लोग खत्म हो गए, कोई मुझे बताए कि सीटें आधी किस आधार पर की गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी राशिद भाई 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जहां पे कांग्रेस पे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जहां पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा और जहां पे आरएलडी का प्रत्याशी होगा, वहां भी हो गया है। नहीं नहीं नहीं, हो गया राशिद भाई, नहीं हो गया, नहीं 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 आप गलत हैं, मैं 37 पे नहीं, हम 80 पे चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर चुनाव लड़ेगा, वो 80 लोकसभा में चुनाव लड़ेगा, 37 पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। मुझे क्लियर कीजिए कि मुलायम सिंह यादव आपके नेता हैं या फिर नहीं है, भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। मुलायम सिंह यादव आपके नेता हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हैं, और बल्कि अब तो हाल के दिनों में बीजेपी वाले नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव किस पार्टी के नेता है, मैं समझना चाहता हूँ। बीजेपी वाले खुश रहे, बीजेपी वाले अरे खुश तो है ही, बिल्कुल उनको अच्छा लगता। कमर अली की बांछें खिल गई हैं, नेताजी आपके बगल में बैठे हुए, कमर अली की बांछें खिल गई हैं। अच्छा है, इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी उन्हें जानते हैं बीजेपी के बड़े नेता के नाम पर नहीं होती जितनी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर होती है। पूछ लीजिए उनसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे कमर अली बोलिए ना, नेताजी को कमर अली बोलिए ना, वो ये भी जानते हैं। नहीं नहीं राशिद भाई, ये भी जानते हैं कि धोबी पछाड़ क्या होता है, जिस समय नेताजी पलटेंगे भारतीय जनता पार्टी को रास्ता नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश से जो रास्ता बनेगा दिल्ली का वो ऐसे ही बनेगा। अच्छा धोबी पछाड़ आप लोगों को मिला, नेताजी को अभी आप समझे ही कहां है, नेताजी का अभी बारी बाकी है, कमर अली नेताजी ने अभी पूरी खेली नहीं है। कमर अली देखिए, यहां पर फखरुल हसन चांद जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव अब हाल के दिनों में जो भी बयान देते हैं ना, आपकी बांछें ज्यादा खुल जाती हैं बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। देखिए मुलायम सिंह जी ऐसे एक नेता हैं और काबिल नेता है, उन जमीनी नेता है, जमीन नेता से आज यहाँ तक पहुंचे। अच्छा अच्छा वही काबिल नेता ना, बहुत है वही काबिल नेता ना उनकी, जो आप लोगों, सर एक मिनट, सर एक मिनट, होल्ड ऑन कमर अली जी, होल्ड ऑन वही सर 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 वही काबिल नेता ना, कोट अनकोट बीजेपी जो ये कहा करती थी कार सेवकों को
पर गोली चला दी। वही काबिल नेता ना जिनके बारे में आप लोग ये कहा करते थे कि जातिवादी राजनीति करते हैं, वही काबिल नेता ना जिनके बारे में आप लोग ये कहते थे मुल्ला मुलायम सिंह, वही काबिल नेता ना जिनके बारे में आप लोग ये कहा करते थे मुस्लिम यादव समीकरण वाले हिपोक्रिट हैं आप लोग, हिपोक्रिट हैं आप। राशिद भाई सहूलियत के हिसाब से नजर बदलती है आपकी, चश्मा बदलता है आपका, वक्त वक्त में बदलती रहती है, इस बात को आने दीजिए, उस बात को। राशिद भाई देखिए, कोई अगर अच्छी बात करी है तो उसकी बात को उसका खैरमकदम करना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में बात कही है, लोकसभा में उन्होंने कहा कि मैं बहुमत में नहीं आ सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, आप बहुमत में आएंगे, आप सरकार बनाएंगे, ये लोकसभा में कहा। लोकसभा में जब कोई शख्स कहता है तो उस बात की बहुत अहमियत होती है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसको देखती है, और उस बयान को सारे लोगों ने सराहा कि उनका तजुर्बा है, उनकी अपनी शख्सियत है, इसलिए तजुर्बा उनका बता रहा है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं राशिद भाई, देखिए अखिलेश, श्री अखिलेश यादव जी ने कोई मेहनत कोई संघर्ष तो किया नहीं, उनको जो ये मिली है सीट जो मिली है अपने वालिद की देन की सीट मिली, जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने मुलायम सिंह जी के संघर्ष की वजह से बने, और उसके बाद अगर आप देखेंगे समाजवादी का ग्राफ वो गिरता गया। अखिलेश यादव जी के वक्त पे अगर आप देखेंगे लोकसभा देखेंगे विधानसभा देखेंगे उनके नेतृत्व में जो चुनाव उनका ग्राफ गिरता गया। तो आप अगर मुलायम सिंह जी को अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो आज विपक्ष में होने के बाद भी अगर हमारी तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। अगर कामयाब शख्स को कोई बधाई दे रहा है, उसको मुबारकबाद दे रहा है, दोबारा आने की बात कर रहा है, और वो जान रहे हैं उनके लड़के ने उस समाजवादी को बर्बाद कर दिया जिसको उन्होंने खड़ा किया था, उसका लगातार ग्राफ गिरता गया है। आज भाई अलग चले गए, लड़का अलग चला गया, वो बेचारे दयनीय स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से इतना लगाव, ओके सर, इतनी चिंता, एसपी वर्सेस बीजेपी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, ओके सर, ओके सर, ओके, डन डन डन, ओके सर। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपको क्या लगता है, क्योंकि हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो भी चल रहा है या समाजवादी पार्टी के जो भी वाक्य सामने आ रहे हैं या जो भी राजनीतिक शब्द सामने आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हाल के दिनों में उसका स्टांस लगातार बदलता चला जा रहा है। मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले क्या था कि अमेठी और रायबरेली, हालांकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में अलायंस नहीं लड़ेगा, लेकिन दो दिन पहले ही रामगोपाल यादव ने यह कहा कि अगर कांग्रेस ने हमारा खेल खराब करने की कोशिश की, अगर उन्हें यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचा सकती है कांग्रेस किसी भी तरीके से, तो हम कांग्रेस के भी पूरी तरह से खिलाफ जाकर के हम लड़ेंगे, एक बात तो यह कही गई। अब मुलायम सिंह यादव का एक बयान भी आया है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने आ गया है। मैं अभी तक भी एक बात नहीं समझ पाया कि अलायंस जो है कांग्रेस के साथ लड़ रहा है या कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रहा है, या कांग्रेस जो है बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रही है या फिर एसपी और बीएसपी के अगेंस्ट लड़ रही है। राशिद जी देखिए, इसमें दो बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी 80 की 80 सीटों पर। ये अलग बात है कि समान सोच की कोई पार्टी कोई दल अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ती है तो कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करेगी, एक बात हो गई। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से लेना देना नहीं है, गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी हों या माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, सभी बड़े नेता रहे हैं, सबका अपना बड़ा अनुभव है, और उत्तर प्रदेश में ये लोग कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी निश्चित रूप से अपनी रणनीति होगी, उनकी अपनी कार्यनीति होगी, उनके अपने कैंडिडेट्स होंगे। कांग्रेस पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का नजरिया है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपना तरीका है जिस पर कांग्रेस 2019 का चुनाव लड़ेगी। और ये निश्चित रूप से राशिद जी मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो 2009 का चुनाव उत्तर प्रदेश और देश ने देखा था और 2019 का भी चुनाव आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास भी हम चलेंगे, एस एम अशरफ जी, मुलायम सिंह यादव के बयान को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है, और दूसरा 2019 के चुनावी मंच में अगर पिछले दिनों की जो 2-3 महीने पहले जो लखनऊ में रैली हुई थी उसे अगर हम छोड़ दें तो आप लोग कहते हैं कि आपके असली नेता जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी हैं, आपके अध्यक्ष जो हैं वो शिवपाल यादव जी हैं, लेकिन अभी तक मुलायम सिंह यादव सीधे तौर पर अगर आप लोगों को ऐसा कहना है, आप लोग का ऐसा मानना है, तो क्या वो औलाद का प्रेम है,
कि अभी भी शिवपाल जी के साथ में मंच साझा नहीं कर रहा है, या फिर बात कुछ और है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए उनका, राशिद भाई मैं अपने जवाब दूं आपको? बोले बोले आपकी, जी जी आपकी आवाज थोड़ा रुक के आ रही थी। तो मैं सर ये कह रहा था, जहाँ तक वो नेताजी का सवाल है, उनका हम लोग सम्मान बेपनाह करते हैं। जाहिर सी बात है हमारे नेता ने उनकी उंगली पकड़ के सियासत सीखी है, उसमें आगे बढ़े हैं अब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि उस रैली के बाद से दोबारा कभी जो है माननीय नेताजी ने हमारी पार्टी के लिए या किसी भी फोरम पर जाके ये नहीं कहा कि हमको जो है वो किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस पार्टी के वो संरक्षक हैं, जो बयान आप अभी बता रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो है माननीय नेताजी ने दिया, उसको ये लोग ओन करने से भाग रहे हैं। या तो ये साफ साफ कहें कि हाँ ठीक है, नेताजी का बयान है, उसका हम सम्मान करते हैं और नेताजी की जो एनालिसिस है बहुत परफेक्ट है और उनको एहसास हो गया है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। और या तो उस बयान को कंडम करेंगे, अब चूंकि नेताजी की सेहत नहीं इस लायक रहेगी, नेताजी का जहन नहीं काम कर रहा, इसलिए नेताजी ने ऐसा बयान दे दिया। इन्हीं के एक दूसरे बड़े नेता ये बात बोलते हैं, आजम खान साहब, कि उनके मुंह में डाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ये किसने डाल दिया? ये रामगोपाल यादव जी ने डाल दिया उनके मुंह में, अखिलेश यादव जी ने डाल दिया? इस बात का जवाब देने की इनको जरूरत है। और आज वो कितना आहत दिखे हैं ये इस बात का अंदाजा लगता है। उनका कहना कि मुझसे पूछा तक नहीं और समझौता कर लिया, मैंने 39 सीटें जीती थी, आज इसने आधे पर समझौता कर दिया। तो उनकी बातों को सुनने के बाद ये लगता है कि बेपनाह आहत है, उन्होंने अपना एक मैसेज जनता को दिया है। और जाहिर सी बात है पार्टी उनकी खड़ी हुई है, किसी को विरासत में कोई चीज मिल गई है तो धीरे धीरे लोग उनसे हटना शुरू होगा। दूसरी बात, ये एरोगेंस का समझौता है, सापा बसपा से आपने किया, दो लोगों ने मिलकर एक समझौता कर लिया। अगर बीजेपी से आपको लड़ना था तो उसमें दूसरे लोगों को शामिल करने की बात करनी चाहिए थी। ये कितना जो है घमंड दिखलाता है कि आपने दो सीट कांग्रेस को छोड़ दी, दो बोल दिया हम लोकदल को देते। उनके तमाम लड़ने के बाद उनके एक प्रवक्ता ने 3 दिन पहले बोल दिया कि 5 से कम हम लड़ेंगे नहीं, बहुत दबाव बनाया, तो आज आपने उनके लिए 3 सीटें छोड़ दी। ये आपका अपना मामला आप करिए, लेकिन जब आप घमंड के ऊपर कोई बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान की जनता है, कोई किसी को ग्रांटेड नहीं ले, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे वो यादव वोट हो या दूसरे समाजवादी वोट हो। और चूंकि हमारे नेता शिवपाल जी यादव का अपनी एक क्रेडिबिलिटी रही है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मजबूत एक ताकत बन के आएंगे। अगर कोई हमारे साथ अलायंस करेगा कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, तो हम बिल्कुल ओपन है, उनके साथ जाएंगे, वरना हम अपनी ताकत में चुनाव लड़ेंगे। अगर मगर वरना, ये तीन शब्द आपकी बातों में रहे। और अशोक सिन्हा जी, बीजेपी को किसकी जरूरत है, योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की या मुलायम सिंह यादव की? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके बारे में बात करेंगे, मगर मैं समझता हूं कि बीजेपी को तो सभी की जरूरत है। बिना जनता के साथ के और बिना लोगों के साथ के कोई भी दल विजयी नहीं हो सकता। अब जहां तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में भी देशहित नहीं है, राष्ट्रहित छिपा हुआ नहीं है। समाज के लिए विकास का एक ब्लूप्रिंट सामने रख करके चुनाव लड़ना चाहिए कि हम वर्तमान सरकार के विरोध में इसलिए है कि हम यह विकास का यह पैमाना रखते हैं, हम इस प्रकार से विकास करेंगे, हम इतनी तेजी से निर्णय लेंगे और हम इस दिशा में बढ़ेंगे। आप पूरे विश्व का परिदृश्य देख लीजिए तो साम्यवाद और समाजवाद ये दोनों राजनीति में अप्रासंगिक हो रहे हैं, इनकी अप्रासंगिकता बहुत कम हो गई है। और जो समाजवाद, जो प्योर समाजवाद था, जो जयप्रकाश नारायण के पास था, जो लोहिया जी के समय में था, राजनारायण जी के समय में था, वो समाजवाद अब टर्न ले चुका है और वो एक नए खोल में समाजवाद आ गया है और जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जनता चाहती है कि तेजी से विकास हो, उसमें राष्ट्रवाद की भावना छिपी हो, न कि केवल गठबंधन करके एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाना और सत्ता में आकर के 5 साल तक का समय पास करना और अपने आराम से रहना, अपनी संपत्ति बनाना, खड़ी करना। अब यह राजनीति में बड़ी तेजी से भारतीय राजनीति में परिवर्तन आ रहा है। क्या 4.5 वर्षों में जनता ने यह देखा है किस प्रकार से उसे तेज गति से विकास की आवश्यकता है, जो अच्छा लगे? तो अब निश्चित रूप से यह जो फार्मूला है, जनता ये मानती है कि हमारे सामने बताइए विकास का ब्लूप्रिंट आपका क्या है, तो कोई भी दल इस समय विकास का ब्लूप्रिंट देने को तैयार नहीं है। जो वर्तमान दल है भारतीय जनता पार्टी, वो विकास का एक रास्ता उसने अख्तियार किया हुआ था, जनता को अगर स्वीकार होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और जनता को यह अस्वीकार होगा तो वह दूसरे को चुनेगी जो देशहित में होगा।
तो मेरे समझ से तो यह है कि भारतीय राजनीति तेजी से परिवर्तित हो रहा है, साम्यवाद समाजवाद अप्रासंगिक हो रहा है, और राष्ट्रवाद के आधार पर आपको जनता के विकास का ब्लूप्रिंट सामने रखना होगा, उसे कन्विंस करना होगा कि आप हमें इसलिए वोट दें क्योंकि हम इस रास्ते विकास करेंगे। ठीक है, उमानंदन कौशिक शायद आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाह रहे थे, और उमानंदन कौशिक जी ये भी बताइएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी को या संघ को भी एक बार के लिए मुलायम सिंह यादव एक्सेप्टेड हो जाते हैं, क्या विश्व हिंदू परिषद को भी मुलायम सिंह एक्सेप्टेड है? 1965 में रुक जाइए उमानंदन जी को सुनिए, उमानंदन कौशिक जी को सुनिए। राशिद भाई, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि तीनों एक है, हमारे पास कार्यकर्ता की बहुत बड़ी लाइन है और हमारे पास पूरा कैडर है हर उस चीज का जवाब देने के लिए जो देश में विकृति की तरफ जा रहा है। आपने रिवर फ्रंट घोटाला कहा कि ये इनका विकासवाद है, आपने खनन का कहा ये भी इनका विकासवाद है, और आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक हैं। एक गांव में छोटी सी कहावत होती है कि कोठी कुठले के हाथ मत लगाइयो घर बार तेरा, नहीं कोठी कुठले का हाथ मत लगाइयो घर बार तेरा, तो ये तो घर बार तो या तू भैया आप हमारे मार्गदर्शक तो बने रहो लेकिन छेड़ना कुछ नहीं। उन्होंने आज कितनी पीड़ा के साथ में कहा होगा, कि समाजवादी पार्टी का उस चीज में विश्वास करता है कि अगर कोई दूसरा बोल रहा हो तो एक बार के लिए सुन ले। फखरुल हसन चांद जी, कहने का भी एक तरीका होता है, राजनीति में कभी भी शब्दों की मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। उमानंदन कौशिक जी, मायावती जी के लिए आपने जो बात बोली है वो वापस आप लें, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक महिला की मर्यादा होती है, एक राजनेता की मर्यादा होती है। उमानंदन कौशिक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने क्या गलत कहा? आप उनके साथ अब तक तो उनके कपड़े फाड़ रहे थे यही समाजवादी पार्टी के लोग, अभी तक उनके कपड़े फाड़े हैं और अभी उनके साथ में जाके गठबंधन कर लिया, किसको धोखा दे रहे हैं लोग जानते नहीं क्या? उस समाज को जिनकी आपने शिवसेना महाराष्ट्र में आपको आंख दिखा रही थी, अरे कुछ नहीं दिखा, शिवसेना हमारा 25 साल से गठबंधन, शिवसेना हमारा 25 साल से गठबंधन है, आपको रोज उत्तर प्रदेश में 25 साल से गठबंधन है, सबसे पुराना गठबंधन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो एके मिश्रा को शायद सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री हुआ हमेशा एके मिश्रा को सुनना चाहिए, लेट अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट स्पीक। एक चीज हम जब देखते हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर के, मुलायम सिंह यादव ने बहुत बार विरोधियों को चौंकाया है। 1989 में आपको याद होगा किस तरह से रेवती रमन सिंह को धोखा देते हुए अपने पक्ष में विधायकों के बीच जबरन वोटिंग करा दी थी, विधानसभा अचानक 1990 में किस तरह से अचानक भंग कर दी थी, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने में किस तरह से उन्होंने रोड़ा अटकाया था, एनडीए उम्मीदवार अब्दुल कलाम का किस तरह से समर्थन दे दिया था, ममता बनर्जी के खिलाफ किस तरह से एक अलग प्रणब मुखर्जी के साथ में चले गए थे, यूपीए के लिए आपको याद होगा 2008 में किस तरह से उन्होंने लेफ्ट का साथ छोड़ दिया था, न्यू डील वाले मसले पर चले गए थे। मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से चौंकाते रहते हैं, क्या इस बार जो चौंकाया है उस पर दम है? मैं आपको बता, आग है इसमें राशिद। कॉन्सेप्चुअली देखा जाए ना तो आपका जो ये सवाल है, ये मुद्दा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें ऐसे समझना चाहिए, इथिकल पॉलिटिक्स वर्सेस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इथिकल पॉलिटिक्स तो मुझे कहीं दिखती नहीं है, स्टांस यानी चौंकाना ये एक रणनीति होती है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि आप अपनी चीजों को दांव पेच को, जो अभी आपने बोला धोबी पछाड़ और एक काला जंग दांव, कब आप उसको ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि आप सत्ता पा जाओ या पॉलिटिकल माइलेज ले लीजिए, बेनिफिट ले लीजिए। मैं आपको बताऊं, अब की बार मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया है ये स्टांस नहीं है, ये चौंकाना या रणनीति नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी देखिए, एक उम्र का भी तकाजा है, दूसरी चीज जब अपने ही लोग, जो लोग उनके शुरू के संघर्ष में रहे हो, चाहे मजबूरी के कारण चाहे स्वेच्छा के कारण, उनकी बात को ना मान रहे हो, इसीलिए मैंने मुलायम सिंह यादव जी को और भी कुछ नेता है उनको मैंने बूढ़ा शेर बोला है भारतीय राजनीति का। वो कर क्या सकते हैं, समाजवादी पार्टी दो फाक में बट गई, कोई भी आदमी उनकी बात मानने के लिए नहीं है। देखिए, संघे शक्ति कलौ युगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, मुलायम सिंह यादव जी अकेले हैं, अब ये क्या करेंगे? शांति के साथ ये चाहते हैं कि गरिमा के साथ मेरी बकाया जिंदगी गुजर जाए, उसके लिए सबसे सही तरीका है, पहले वानप्रस्थ आश्रम होता था, अब संघप्रस्थ आश्रम है, जिसको मैंने बोला संगम शरणम गच्छामी। मुझे खुद ताज्जुब हुआ था कि मुलायम सिंह यादव जी
चाहे बीजेपी रही हो कांग्रेस रही हो अपने जमाने में यानी राजनीतिक जब उनका सिक्का चलता था किसी भी पार्टी को इतनी अच्छी राजनीति करते थे किसी भी पार्टी को उन्होंने जमने नहीं दिया ना मतलब बोलने से लेके एक्टिविटी से लेके आज इतना मुलायम होकर के वो पिछले एक हफ्ते से केवल बीजेपी का गुणगान किए पड़े हैं क्यों ये इतना कद्दावर नेता विचारों से इतना कमजोर और मजबूर क्यों हो गया और वो सिर्फ हुआ है घर का भेदी लंका ढावे मैं बोल रहा हूं मुलायम सिंह यादव जी को कोई इतना मजबूर नहीं कर सकता था बाहरी पार्टी चाहे संघ हो चाहे बीएसपी हो चाहे बीजेपी हो जितना अपने लोगों ने अपने लोग जब चोट देते हैं ना मुलायम सिंह ने खुद बोला कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है बेटा कर चुका भाई कर चुका तो अब वो क्या करेंगे कोई भी पार्टी का प्रवक्ता जो यहां है तार्किक तरीके से सर मुझे बता दीजिए मुलायम सिंह यादव क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि वो कहीं किसी की शरण में चले जाए जैसे विभीषण राम की शरण में चले गए थे तर्क हो तो सर बता दीजिए सारा निचोड़ यही है एक चीज और मैं बोलूंगा जिसपे ये दोनों हमारे नेताजी लड़ रहे थे शिवसेना और ये बसपा का बड़ा देखिए स्ट्रेटजिक देखिए शिवसेना और बीजेपी में लड़ाई भरे है जिस तरीके से मायावती जी के ऊपर अटैक हुआ था वो उनके इज्जत और अस्मिता पे अटैक था वो निंदनीय है भारतीय इतिहास में एक महिला के ऊपर और पॉलिटिकल विरोध होना राजनीतिक विचारों का विरोध होना जो शिवसेना और बीजेपी में है वो एक अलग चीज है किसी की इज्जत और अस्मिता पे अटैक होना वो अलग चीज है ठीक इस पे कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर उमाशंकर पांडे शायद कुछ कहना चाहते थे डॉक्टर उमाशंकर पांडे कुछ कहना चाह रहे थे शायद आप नहीं मेरा उसी पर ऑब्जेक्शन था कि विश्व हिंदू परिषद एक सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहते हैं और हिंदुत्व तो जो एक बड़ा लिबरल धर्म है उसमें अगर उसके प्रवक्ता इस तरीके की चर्चा या इस तरीके की सोच किसी महिला के प्रति रखते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है अगर ये धारणा देखिए आरएसएस की धारणा महिलाओं के प्रति स्पष्ट है आरएसएस के संगठन में महिला मेंबर नहीं होती हैं इनकी धारणा महिलाओं के प्रति स्पष्ट है पता है क्या संगठन में महिला मेंबर नहीं होती मैं नहीं चाहता आप बीएसपी के और आरएसएस की बातें कर रहे हैं आपको आरएसएस का ज्यादा पता है आप बीएसपी की बात कर रही है तो निश्चित रूप से होता है ना सर तो मान लीजिए कि सारे लोग देखो मान लीजिए कि बीएसपी का महिला मेंबर नहीं है आरएसएस शायद अशोक सिन्हा जी आरएसएस के प्रवक्ता बैठे हैं तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप कांग्रेस के आरएसएस में क्या पांडे जी नोट कर लीजिए इन्होंने मान लिया जो अशोक सिन्हा जी अशोक सिन्हा जी डॉक्टर उमाशंकर पांडे को जवाब देना चाहते हैं कोई नहीं बोलेगा अशोक जी बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा अशोक जी बोलेंगे अशोक सिन्हा जी बोल सकते हैं आप जहां तक इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में महिलाएं नहीं है तो शायद हमारे जो वार्ताकार है इन्हें यह जानकारी नहीं है कि महिलाओं की शाखा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्र सेविका समिति के नाम से अलग लगती है और पुरुषों की अलग लगती है उनकी पूरी बराबर की भागीदारी है कहीं उसमें आरएसएस में महिला सदस्य बनती है कि नहीं आप अलग संगठन का नाम मत लीजिए आरएसएस में महिलाओं की अरे भाई क्यों नहीं होती आप बताइए अरे सुनो भाई आप जब कबड्डी खेलने जाते हैं खेल के मैदान में तो अपने बहन को नहीं लेके जाते आप महिलाओं हमारे यहाँ एग्जाम्पल आप दे रहे हैं सर की अलग लगती है महिलाओं की अलग लगती है आरएसएस के विचारकों से आप इस तरह के एग्जाम्पल की उम्मीद नहीं है जो अपने आप को बौद्धिक विचारक कहते हैं जैसे सब सेवक संघ है वैसे ही आई ऑब्जेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज आरएसएस का इस लैंग्वेज आप के राजनीति खेलने जाते हैं तो अपने घर के माताओं बहनों को लेके नहीं जाते हैं हमसे पूछिए हमारे गांव में जितनी बार कबड्डी हुई है सारे माँ बहन सब लोग मेला में गए हैं चाहते हैं कि महिलाएं सर जाके पहले फिर से प्रशिक्षण लीजिए आरएसएस की शाखा में आरएसएस और बीएचपी इंप्रूव योर लेवल प्लीज मैं आपको बता मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं आप ऐसे एग्जांपल मत दीजिए सर आप संसार कर रहे हैं भारतीय संस्कृति अलग लगती है महिलाओं की शाखा अलग लगती है पुरुषों की शाखा अलग लगती है जब आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर मैं एक आपको मैं देख रहा हूँ कि पूरी बैटिंग आप कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी और बीएचपी के लिए सर अरे मैं आरएसएस के अगेंस्ट बोल रहा हूँ अरे क्या बात है आप गलत बोल रहे हैं मिश्रा जी आप गलत बोल रहे हैं मिश्रा जी आप गलत बोल रहे हैं फिर मुझे बोलना पड़ेगा उन्होंने ये नहीं कहा कि कबड्डी वो आज भी वही है जो कल था डॉक्टर उमाशंकर पांडे लेकिन मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे लेकिन रणनीतिक तौर से मैं अभी तक एक बात नहीं समझ पाया कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है मैं अभी भी नहीं समझ पाया ठीक है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार आपने प्रियंका गांधी को दे दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप लोगों ने दे दिया
लेकिन अब ये बताइए, देखिए एसपी और बीएसपी की स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ है, 17 अनुसूचित जातियों वाली सीटों में से 10 से 11 के आसपास जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई है, मुस्लिम वोट बैंक वाली जो सीटें हैं उसके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सब वो वोट रहे हैं जो कि पारंपरिक तरीके से कांग्रेस के ही पिछले मतलब 80 के दशक में या 70 के दशक में आप लोग का वोट बैंक रहा है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, क्या प्रियंका के सहारे रहेंगे, राहुल गांधी के सहारे रहेंगे, ज्योतिरादित्य के सहारे रहेंगे? नहीं सर, पीएसपी की हमारी सीधी सीधी स्ट्रेटजी ये है कि हम तो तमाम जो है सीटों पे हम अपना जो है इलेक्शन बिल्कुल अपना कैंडिडेट देंगे और इलेक्शन हम लड़ेंगे। अगर हमारा कांग्रेस से अलायंस होता है, अलायंस में कोई सीट जाती है तो उसकी बात अलग हो गई। अब रहा सवाल कि जो नेताजी आहत है, मैं उस पर थोड़ा बोल देना चाहता हूं, उनके आहत होने की बहुत जायज वजह है। जायज वजह यह कि उनको नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है आगे बिल्कुल आ नहीं पाएगी, क्योंकि जो गठबंधन इन्होंने किया है बसपा से, अगर ये इलेक्शन शुरू होता है वेस्टर्न से तो मायावती वो गाइड ट्रस्ट लेडी है जिनके बारे में नहीं पता कब वो गठबंधन को रखेंगी, कब तोड़ देंगी। पता लगा कि चुनाव होते होते ही तोड़ दिया या इलेक्शन के दिन तोड़ दिया, तो उनको इस बात का खौफ है कि हमें मिला क्या। अगर 39-40 हम पहले जीत सकते थे तो हमें पूरी 80 सीटों पर जाना चाहिए था। अब उन्होंने जनता को एक इंडिकेशन दे दिया है कि ये तो बिल्कुल हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से फैसला करिए। तो जाहिर सी बात है कि नेताजी ने बहुत समझ सोच के दिया। नेताजी का कोई बयान ऐसे नहीं, उनको लिखा हुआ पर्चा दे रहे थे नरेश उत्तम जी, उन्होंने कहा इसको हटाओ, जो मेरे मन में वो बोलूंगा मैं, तो ऐसा भी नहीं है। नेताजी को पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और नेताजी ने जो बोला है जाहिर सी बात है कि उसको जो है गौर करना चाहिए कि आपने उस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जो नेताजी ने जिस बात को लेकर बनाया था। ठीक है अशोक सिन्हा जी, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? कोई खास सवाल हो तो मुझसे पूछिए। अशोक जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए मैं बताऊं कि जो बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं जिंदगी भर वो संघ को गाली देते रहे, परंतु आप देखिए अंतिम समय में वो संघ के प्रशंसक हो गए। मैं जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेना चाहूंगा। जयप्रकाश नारायण जी संघ विरोधी थे शुरू में पूरा, परंतु जब अंतिम समय आया, जनता पार्टी के बनने की बात आई, तो उस समय वो संघ के प्रशंसक हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं देर से पहचाना कि ये एक ऐसा संगठन है जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार का राज फर्नांडिस के साथ भी यही हुआ, मुखर्जी की वो भी प्रशंसक। आप पहले अपने फंक्शन में बुलाते हैं और बाद में आप मुझे एकदम ठीक लग रहा है, मुझे बुलाते हैं और बाद में आप मुझे एकदम ठीक लग रहा है। एक ने कहा भी था कि एक संघ प्रस्थ आश्रम भी होता है, संघ प्रस्थ है ना एके, अब तो ये समझ में आ रहा है। अगर राजनारायण जी के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात कह दी अशोक जी आएंगे तो अंत में आपको संघ प्रस्थ होना पड़ेगा। नेताओं का वानप्रस्थ जो है वो संघ प्रस्थ है, नहीं नहीं राइट है ना एके। इसीलिए मैंने ये बोला था कि मुलायम सिंह यादव के पास ऑप्शन नहीं है। देखिए लालू यादव जी ने किया, वो कौन से प्रस्थ में गए, तो मुलायम सिंह यादव एक मजे हुए वो है नेता है। एक चीज और बोलूं राशिद, देखिए मुलायम सिंह यादव ने जो किया, मैं क्षमा के साथ ये बोलूंगा लेकिन मुझे कोट करना पड़ रहा है, बीजेपी की फितरत रही है, रणनीति रही है कि राजनीतिक मीर जाफर और राजनीतिक जयचंद जीतने में, पिछले चुनाव में भी इन्होंने किया, कितने पार्टियों के लोगों को तोड़ के अपने तरफ किया, तो ये चीज भी यही हो रही है। अगली बार चुनाव मीर जाफर जो एनालिसिस होते हैं, जो मीर जाफर एनालिसिस होते हैं उनको भी बीजेपी खड़ा करती है। सर आप मेरे साथ पहली बार बैठे हो, मुझे बहुत ही तगड़ा मिलता है, इतने बड़े एक्सपर्ट ना बनिए आप, इतने बड़े एक्सपर्ट ना बनिए। कोई पार्टी जी कुछ आपने अंत में कहना चाहते हैं? अजय वीर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा मशरफ जी एक काम कर लीजिएगा, आप दोनों लोग एक काम कर लेते हैं ना, मैं आप दोनों लोग के ही फोन नंबर एक्सचेंज करा देता हूँ, बाहर जाकर के आप पूछ लीजिएगा। एके आप कम्प्लीटली बाइस्ड है और बीजेपी के बैटिंग कर रहे हैं। दो चार बार बैठ जाइए फिर समझ लेंगे आप पहली बार बैठे हैं। ये जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं पहली बार सब मुझे ऐसे ही बोलते थे। नहीं नहीं ऐसा मशरफ जी, ऐसा मशरफ जी मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, ऐसा मशरफ जी एक मिनट एक रुक जाइए आप। ऐसा मशरफ जी एक बात बता दूं आपको, अगर एक राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर एफएम न्यूज में तटस्थ पत्रकार की हैसियत से बैठे हुए हैं तो आप उनको सर्टिफाई ना करें तो बेहतर होगा। जहां पर वो कबड्डी वाली बात आई थी वहां उन्होंने खंडन किया था, पता नहीं आप किस तरह से कंफ्यूज हो गए, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यहां पर बैठ करके एक तटस्थ पत्रकार को यहां पर बैठ करके आप सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं आपने उनका जुमला देखा है मीर जाफर बोल रहे हैं, मीर जाफर होता है पॉलिटिक्स के अंदर, आप उनके बातों पे गौर करिए, उनको टोकिए ना आप। अरे जैसन भी तो हुए, मीर जाफर भी हुए, जैसन भी हुए, तो मीर जाफर तो है तुम लोग।
आप उनको आपको जमान में कंट्रोल होना चाहिए। अमीर जाफर लफ्ज लाए कहां से? कौन सा गलतियां हो जाती हैं उनको पहले? लेट्स गेट इट ओवर। मुझे समझाने के पहले ठीक है, चिल्लाने से नहीं होगा। मिश्रा जी, मानंदन कौशिक जी, अजय वीर जी, अशोक सिन्हा जी, फखरुल हसन चांद जी, एस एम अशरफ जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे और कमर अली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में रहने के लिए।